हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 6 अपने सेकंड चैप्टर का। और जैसा कि तुमको मैंने बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, फिफ्थ लेक्चर में और उसके पहले फोर्थ लेक्चर में भी, कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक भी है, एक प्रॉपर वे में हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका तरीका ये है कि एक पहले वीडियो में पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्या थ्योरी है, क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनकी जिस टाइप के क्वेश्चंस आने का चांस ज़्यादा है, वो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग का जो मेन पर्पस है वो है इसके पहले का जो फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे उसके बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए जिन बच्चों ने भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कुछ करना नहीं है, जाना है तुमको प्लेलिस्ट में, लेक्चर्स के ऑर्डर बने हुए हैं, उन ऑर्डर वाइज लेक्चर्स को ध्यान से देखना है। जिनके बैकलॉग्स हैं उन बैकलॉग्स को क्लियर करो, छोटे लेक्चर्स हैं उन्हें कंप्लीट करो, और सही तरीके से चल रहा है तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उस पर जो मेन क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो लेक्चर नंबर फिफ्थ में एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत बारीक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हम लोगों ने बात कर लिया है। अब समय है इन पर क्वेश्चंस करने का, बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जब क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए तो हमें लगे क्या ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, ये हमसे क्वेश्चन हो जाएगा। यही मेन पर्पस हम लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। और दूसरी बात ये भी हो, जो हमेशा कहता हूँ मैं, कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक और पर्पस होता है, क्वेश्चन ऐसा हो, मैं तुमको ऐसा क्वेश्चन कराऊँ जिससे क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस हो ही, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो उसकी प्रैक्टिस तो हो ही। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है न्यूमेरिकल्स या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को कितना और क्लियर करता है। तो जब भी मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ तो उस बात में इसमें यह हमेशा ध्यान रखता हूँ कि वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना हद तक फ़ायदेमंद है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो तो है ही है, प्लस तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपना आज क्वेश्चन नंबर 6th। और फर्स्ट क्वेश्चन ये तो है सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, प्लेट्स के बीच में एयर है जैसा कि जानते हो, हैज़ स्टोर्ड एनर्जी यू नॉट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यू नॉट एनर्जी स्टोर है, इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो हमने क्या बनाया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्ट किया होगा तभी एनर्जी स्टोर होगी, अदरवाइज कैसे हो सकती है, क्योंकि बैटरी जो वर्क डन करता है चार्ज को स्टोर करने में, उसी के हिसाब से एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये कहने की बात नहीं है कि बैटरी कनेक्टेड होगी तभी चार्ज स्टोर हुआ होगा एंड ऊर्जा भी संचित हुआ होगा। अच्छा ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, मैं क्वेश्चंस को हिंदी में बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई वो है यू नॉट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट हैज़ स्टोर्ड एनर्जी यू नॉट। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये यू नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं, तो चलो मान लेते हैं कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, सी है। तो यू नॉट जो वैल्यू हमें दिया है इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। भाई कुछ ना कुछ हमको मानना होगा, एनर्जी के तीन फॉर्मूले पढ़े थे हम लोग, ठीक है, उनमें से कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू नॉट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये हमें मान लो एनर्जी स्टोर है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके आगे कह रहा है कि इफ़ अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, अब ये जो तुम कैपेसिटर देख रहे हो इसके प्लेट्स के बीच में हमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को भरना है, एक परावैद्युत पदार्थ को भरना है। ठीक है, डेट इज सैब का मतलब परावैद्युत पदार्थ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हमें के, अच्छी बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसके, लेकिन इस प्लेस बिटवीन द प्लेट्स, अच्छी बात है, मगर मैं खुद हमेशा कहता हूँ, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, मैं भी कहता हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा हमें यह चेक कर देना चाहिए कि बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी को हटा दिया गया है। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो ठीक है, वरना मैं ध्यान रखना होगा स्टेज का। तो दोनों में एक ही साथ करा रहा हूँ, दोनों कंडीशन में सॉल्व कैसे करेंगे बता दे रहा हूँ, आएगा एग्जाम में एक ही, मगर दोनों करके देख लेते हैं, कुछ भी आ सकता है।
तो पहले कह रहा है कि कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, और दूसरा कह रहा है आफ्टर रिमूविंग द बैटरी। हमें प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक भरना है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कि दो तरीके से भरना है। पहला तरीका कि इस बैटरी को कनेक्टेड रहने दो फिर मटेरियल भर दो, और दूसरा तरीका कि इस बैटरी को रिमूव कर दो फिर उसके बाद मटेरियल भर दो। दोनों डिफरेंट बात है, तो दोनों में एनर्जी में चेंज कितना होगा पता करना है। कभी कभी यही पता करना होता है कि वो एनर्जी में चेंज इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो अगर याद हो तुमको, पहले केस की बात करते हैं, देन बैटरी इज कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो हमने क्या बताया था कि जो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कांस्टेंट रहता है। अब जाहिर सी बात है, बैटरी कनेक्टेड हो तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि बैटरी का काम ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो बैटरी कनेक्टेड है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वी एज इट इज़ है, वी नहीं चेंज करेगा। सी के साथ क्या होगा, तो सी तो पक्का चेंज करेगा क्योंकि प्लेट्स के बीच में हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कन्फ्यूजन की, सर पार्शियली फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड, वैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो हम इसे कम्प्लीटली फिल्ड वाला ही केस मान के चलेंगे, क्योंकि पार्शियली फिल्ड होगा तो पता ना होगा ना कितना भरा है कितना खाली है, नहीं पता है तो मतलब कम्प्लीटली फिल्ड है। तो कम्प्लीटली फिल्ड केस में जो सी डैश होगा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, सी इंटू के हो जाएगा। भाई जितना तुम डायरेक्ट्रिक भरते हो कैपेसिटेंस क्या होता है, उतना गुना बढ़ जाता है। तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी, सी डैश इज इक्वल टू सी इंटू के, ठीक है। तो नई एनर्जी क्या होगी, तो कहोगे हाफ सी के बदले कितना हो जाएगा सी के, और वी तो कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर रहेगा, तो हाफ सी के इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी हो जाएगी इस बैटरी को भरने के बाद। अच्छा, इसमें से यू डैश इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, के अलग कर लिया। अब ये हाफ सी वी स्क्वायर तो इनिशियल वैल्यू था यू नॉट, तो यू डैश कितना हो गया यू नॉट इंटू के। अब के की वैल्यू तो हमेशा वन से बड़ी होगी अगर डाइलेक्ट्रिक है, तो यू नॉट से यू नॉट इंटू के हो गया, और के हमेशा वन से बड़ा है तो डेफिनेटली एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब ये भी चेक करना होगा, हमसे फाइंड करना है व्हाट इज़ द चेंज, क्या लिखा, व्हाट इज़ द चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अब उस चेंज में हमको ये पता करना होता है कि भाई वो बढ़ा है या घटा है। तो चूंकि के की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी होगी तो एनर्जी इसका मतलब कि बड़ी है, ठीक है। तो कितनी बड़ी है अगर चेंज फाइंड करना होगा, तो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डेल्टा यू इज इक्वल टू, तो यू डैश माइनस यू कर सकते हो, तो यू डैश की वैल्यू कितनी है यू नॉट इंटू के, एंड यू कितना है इनिशियल वैल्यू यू नॉट। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो गया, यू नॉट अगर कॉमन लिया तो कितना हो गया के माइनस वन, ठीक है। और चूंकि के की वैल्यू हमेशा वन से बड़ी है तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज्ड एनर्जी है, दिस एनर्जी इज इंक्रीज्ड। चेंज है मगर चेंज में भी कहता है ये बढ़ी हुई ऊर्जा है, ये इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। क्यों इंक्रीज्ड वैल्यू है, क्योंकि के का वैल्यू वन से बड़ा होगा तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा। तो ये तो तब की बात हो गई जब बैटरी कनेक्टेड है, फर्स्ट केस व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड। अब हमने क्या बताया था कि जब बैटरी को रिमूव कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तुमने कैपेसिटर लिया, बैटरी लगाया, इसे चार्ज किया, बैटरी ने चार्ज स्टोर किया, बैटरी उड़ा कर फेंक दिया, बैटरी का कोई काम नहीं है। तो बैटरी से चार्ज करने के बाद ऐसा नहीं, तो जब बैटरी रिमूव कर दिया तो सोर्स तो हट गया, तो सोर्स अगर हट गया तो इसका जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया, अब न ये घट सकता है न बढ़ सकता है। बता चुका हूँ, सब समझा चुका हूँ कहाँ पर क्या करना है, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाए। तो चार्ज वाला फॉर्मूला क्या था, यू नॉट इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैटरी हटाने के बाद हमने क्या किया, प्लेट्स के बीच में
एक डाई इलेक्ट्रिक सरफेस को भर दिया के। तो अब पूछ रहा है कि भाई एनर्जी में कितना चेंज आएगा, और साथ ही साथ ये भी बताओ कि घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने जब क्या किया, बैटरी को हटा दिया और फिर भर दिया मैटर। अच्छा, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे बैटरी कनेक्टेड रहने पर भरो चाहे बैटरी को हटा के भरो, कैपेसिटेंस बढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। तो जो नया कैपेसिटेंस है सी डैश इज इक्वल टू वो सी इंटू के ही होगा, बाकी चीज़ों पर फर्क पड़ेगा, सी पर फर्क नहीं पड़ता, चाहे बैटरी को हटा के भरो चाहे बैटरी को लगा के भरो, सी को जैसे चेंज होना है वैसे जहाँ चेंज हो वैसे वहाँ भी चेंज होगा। तो कैपेसिटेंस कितना होगा सी इंटू के, अगर मेटेरियल भर दिया तो भरने के पहले सी था, भरने के बाद सी इंटू के हो गया। तो अब जो न्यू एनर्जी होगी यू डैश वो हाफ क्यू, तो कॉन्स्टेंट रहेगा, और जहाँ सी था उसके बदले क्या लिखना होगा, सी इंटू के लिखना होगा। ठीक है, अब देखो सी यहाँ के यहाँ देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इनिशियल वैल्यू थी यू नॉट, तो यू डैश जो वैल्यू होगी बताओ ये यू नॉट बाई के होगा कि नहीं। और अगेन देखो के डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ तो के मल्टीप्लायर में आ रहा था, के मल्टीप्लायर में आ रहा था मतलब ऊर्जा बढ़ रही थी, यहाँ के डिनोमिनेटर में आ रहा है मतलब एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी में चेंज तो होगा, दोनों जगह चेंज होगा, लेकिन ये देखना होगा कहाँ पर इंक्रीज किया कहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो जब बैटरी को हटा करके हम सब्सटेंस भरेंगे तो याद रख लो एनर्जी डिक्रीज करेगी, और कितनी डिक्रीज करेगी दोनों को माइनस कर दो। तो देयरफॉर डेल्टा यू चेंज एनर्जी कितना होगा, यू माइनस यू डैश दैट इज यू नॉट माइनस यू नॉट बाई के। ठीक है, तो डेल्टा यू जो हुआ वो कितना हुआ, यू नॉट मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया वन माइनस वन बाई के, और ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू डिक्रीज्ड वैल्यू है, इतनी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहले केस में ये इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी और दूसरे केस में ये डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो एनर्जी में चेंज होगा, कन्फर्म चेंज होगा, चाहे बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए भरें तो भी चेंज होगा, बैटरी को डिसकनेक्ट करके भरें तो भी चेंज होगा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कॉमन सेंस लगा, बैटरी कनेक्टेड तो क्या हुआ, इसका मतलब ये कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज और ले सकता है, ये एनर्जी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, ये चार्ज चाह करके भी नहीं ले सकता, सोर्स ही नहीं, कहाँ से लेगा, तो यहाँ पर डिक्रीज होगा। तो जब भी बैटरी कनेक्टेड हो एनर्जी चेंज करेगी और इंक्रीज करेगी, जब भी बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगा तुम्हारा, डिक्रीज करेगा अगर कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान रखना बैटरी कनेक्टेड बैटरी रिमूव्ड के हिसाब से एनर्जी में चेंज कैसे फाइंड करना, रटना नहीं है, प्रोसेस को समझना है, मेथड को देखना है, अप्रोच को देखना है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में ऐसा काम हमें करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलेंगे। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही कुछ मिलता उलता एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है, व्हेन कनेक्टेड विद अ बैटरी, जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं स्टोर्स यू एनर्जी। अब इस फिगर को मतलब को ये इनिशियल फिगर नहीं है, ये क्वेश्चन के शुरुआत का फिगर नहीं है, जो बदलाव किया गया उसके बाद का फिगर है, इसको भी होल्ड करो, अभी जो बनाऊंगा उसको देखना शुरुआत का फिगर क्या होगा। शुरुआत का फिगर कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसे हमने एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है जिसे हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। भाई तभी एनर्जी स्टोर करेगा, बिना सोर्स के एनर्जी कैसे स्टोर करेगा। तो बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी ने चार्ज दिया, चार्ज देने में बैटरी ने कुछ वर्क किया, उस वर्क से एनर्जी स्टोर हुई, और एनर्जी कितनी स्टोर हुई, यू। ठीक है, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो गई, अच्छी बात है। अब कह रहा आगे क्वेश्चन में, नाउ कीपिंग बैटरी कनेक्टेड, ये जरूरी है जानना क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारा आंसर चेंज कर सकते हैं। कीपिंग बैटरी कनेक्टेड,
बैटरी को कनेक्ट रखते हुए, हटाना नहीं है, कनेक्ट रखते हुए, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, एक डाई इलेक्ट्रिक भर देना है इस प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स और एज शोन इन द फिगर। अब वो डाई इलेक्ट्रिक कैसे भरना है एज शोन इन द फिगर, उसके लिए तुम्हें ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ऐसा रहा होगा, यू एनर्जी संचित हुई, स्टोर हुई, फिर ऐसा बदलाव कर दिया, है ना, बैटरी हटाई नहीं है, ये कीपिंग बैटरी कनेक्टेड वाला केस ही है। और कैसे भरा गया, फिगर में दिखा दिया कि आधे पार्ट में भर दिया, आधे पार्ट में अभी भी एयर छोड़ दिया। तो अब कीपिंग बैटरी करंट पे है तो बैटरी का वोल्टेज तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये यू जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, हाफ सी वी स्क्वायर की वैल्यू है। अब हाफ सी वी स्क्वायर में से ये वी तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अब हम ये कैपेसिटेंस में जो चेंज होगा वो फाइंड कर लेते हैं, तो नई एनर्जी मिल जाएगी कि पहले यू था तो अब कितना होगा। तो जो चेंज करेगा वो यहाँ पर सी चेंज करेगा क्योंकि वी तो कॉन्स्टेंट है। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि सी में क्या बदलाव होगा निकालें। जब ऐसा वाला केस रहा होगा तो सी की वैल्यू क्या रही होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रहा होगा, एयर कैपेसिटर है। लेकिन जब ऐसे से ऐसे हो गया है तो सी हमको फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे, सब बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक्स को कैसे रखते हैं, उसके हिसाब से कैसे फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस। जो बच्चे नहीं देखे हैं लेक्चर्स को देखो, प्रीवियस लेक्चर्स को, तभी सीक्वेंस में पढ़ने का मजा आएगा, वरना फिर दिक्कत होगी। तो अगर इस C1 की वैल्यू हम इसे C1 और C2 मान लेते हैं, तो C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के ए और ये कितना है डी बाई टू, तो ऊपर चला गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के, और ये तो है तुम्हारा C, तो पूरा पहले वैल्यू कितना होगा 2 सी के, तो C1 तुम्हारा हो गया 2 सी के। अब C2 फाइंड किया जाए तो C2 एप्सिलॉन नॉट एयर है तो K तो होगा नहीं, या K1 होगा, कुछ भी कह सकते हो, एरिया A होगा, डिस्टेंसेस डी बाई टू। ये ऊपर गया तो ये वैल्यू कितना होगा, कहता है तुम्हारा 2 सी हो जाएगा। तो C1 तुम्हारा कितना आ गया 2 सी के, C2 तुम्हारा आ गया 2 सी। और जब वर्टिकली हम लोग प्लेस करते हैं तो ये दोनों कैप्सर क्या होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। जब भी ऊर्ध्वाधर मटेरियल भरोगे तो ये जो कैपेसिटर बनेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज C1C2 बाई C1 + C2, ये फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वही है 1 बाई C1 + C2, ऐसे भी कह सकते हो। तो C1C2 कितना हो गया, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। अब दोनों में से मैं ऊपर में से 2C के इंटू 2C, अब नीचे में 2C कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया K+1 और 2C कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना बच गया 2C k / K+1, ठीक है। तो जो पहले C था वो ये बदलाव करने पर इतना हो जाएगा, हाँ बैटरी का वोल्टेज सेम रहेगा। तो नई एनर्जी पूछा गया था, इसमें चेंज नहीं पूछा कि चेंज कितना होगा, इसमें पूछा है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड नाउ, अब कितना ऊर्जा संचित होगा, कितना चेंज होगा वो नहीं पूछा। तो यू डैश इज हाफ सी इक्विवेलेंट और वी तो वही रहेगा क्योंकि तो बैटरी कनेक्टेड हो, वी तो वही रहेगा, तो सी इक्वल में रख देता हूँ। तो हाफ सी इक्विवेलेंट इज 2C k / K+1 इंटू वी स्क्वायर, 2 से 2 काट मत देना, उसको एडजस्ट करना है, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, हाफ सी वी स्क्वायर और 2K / K+1 को अलग कर लिया, हाफ सी वी स्क्वायर और 2K / K+1 कर लिया। अब ये जो वैल्यू है वही तो हमको दिया था, इनिशियल वैल्यू वॉज यू, ठीक है। तो जो नई एनर्जी होगी यू डैश, मैं यहाँ लिखता हूँ यू डैश इज इक्वल टू, वो कितना आएगा, ये तो यू हो गया और ये बचा, तो यू 2K / K+1 इंटू यू, ये नई एनर्जी इसमें स्टोर होगी ये चेंजेस करने के बाद। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस अप्रोच पता होना चाहिए क्या करना है।
भाई बैटरी कनेक्टेड है तो वी सेम रहेगा। अब मटेरियल को भरने में जो सी में चेंज हुआ, वो सी में चेंज को पता कर लो, फट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अप्रोच पता हो सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन डन, चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मगर इसे अच्छे से पहले कर लो, समझ लो, नोट कर लो जल्दी। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले के तौर पे समझ जाना कि एक फॉर्मूला सर बता रहे हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। तीन कैपेसिटर हैं ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। दो क्वेश्चन है, पहले सीरीज में फिर समांतर में, अलग अलग सीरीज में फिर और पहले डिफरेंट। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम इन ईच केस, दोनों स्थितियों में जो एनर्जी स्टोर है दोनों में उसका रेशियो पता करना है कि जो ऊर्जा संचित है दोनों केस में श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, उस संचित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, श्रेणी क्रम वाले केस में भी और समांतर क्रम वाले, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ोगे या पैरेलल में जोड़ोगे। ठीक है, तो पहले जो कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ना है, कितने वोल्ट की बैटरीज जोड़ना है ये हमें नहीं कहा है। तो हमें जब नहीं कहा है तो हम उसको अपने से खुश मान लेते हैं, देखेंगे क्या है, है ना। फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने इनको जोड़ दिया ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, और फिर इन्हीं को समांतर क्रम में भी जोड़ना है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में हमने इनको जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, बैटरी वही है वही नहीं है हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनर्जी नहीं पूछी गई है, बैटरी चेंज करेगा तो एनर्जी चेंज करेगा, रेशो नहीं चेंज करेगा, तो बैटरी पता नहीं है, कुछ ना कुछ मान लो, वही मानो वही मत मानो, कोई मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशो पूछा अगर रेशो सेम होगा चाहे बैटरी कोई भी हो, एनर्जी की वैल्यू चेंज करेगी, रेशो चेंज नहीं करेगा। अब कह रहा है कि दोनों केस में जो एनर्जी स्टोर है इस 2 माइक्रोफेरेड में, इस 4 माइक्रोफेरेड में और इस 6 माइक्रोफेरेड में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है उसका रेशो बताओ, अनुपात बताओ। अब बैटरी तो पता नहीं है, क्या किया जैसे केस में, श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ये जानते हैं कि सब पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, तो चार्ज की वैल्यू जो भी है सब में सेम है, तो चार्ज पता तो नहीं कितना है, पता कर नहीं सकती अब तक बैटरी का वोल्टेज ना पता हो, लेकिन जो भी है वो सब में सेम होगा, ये तो कन्फर्म है। अब इसी कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा लो, जब सब में चार्ज सेम है तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज़ करो। चार्ज वाला फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता था, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता था, तो यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता था, बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन चार्ज सेम है तो मैंने जानबूझ के इस फॉर्मूले का यूज़ किया, क्योंकि क्यू इन तीनों में सेम हो जाएगा, तो क्यू जब इन तीनों में सेम होगा तो यू किस पर डिपेंड करेगा, सी पर डिपेंड करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा, तो यू प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/C इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेशो जो होगा U1:U2:U3 वो क्या होगा, 1/C1:1/C2:1/C3। अब तुमको उसको फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, क्या याद करना है तुम्हारी मर्जी है, कि श्रेणी क्रम में संचित ऊर्जा का अनुपात कुछ इस तरीके से आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में एस एनर्जी का रेशो मिलेगा। अब रख दो वैल्यू जो दिया है वैल्यू सीवन से टू की, तो 1/2:1/4:1/6। ठीक है, लेकिन चूंकि रेशो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए तो एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6:3:2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन को अगर हटाना हो तो हम लोग इनका जो एलसीएम है 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी का रेशो 6:3:2 होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाओ, अब यहाँ पर क्या सेम होता है, तो भैया समांतर क्रम में सभी का विभवांतर एक बराबर होता है,
पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है, विभवांतर अगर सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ऐसा फॉर्मूला यूज़ करो जहाँ पर विभवांतर आता हो, तो सी पता है और वी कॉमन है, तो सी पता है वी कॉमन है, तो हम लोग क्यों ना इस फॉर्मूले को यूज़ कर लें, हाफ सी वी स्क्वायर, इसमें वी सबका कॉमन हो गया है, सबका सेम हो गया है। तो वी सबका सेम होगा तो यू किस पे डिपेंड करेगा, सी पे डिपेंड करेगा। और यहाँ डिपेंडेंसी कैसी होगी, यहाँ डिपेंडेंसी बालक प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनल होगी तो क्या मिल जाएगा तुमको, रेशियो यू वन इज टू यू टू इज टू यू थ्री क्या मिल जाएगा, सी वन इज टू सी टू इज टू सी थ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो सी वन सी टू सी थ्री की वैल्यू कितनी है, टू इज टू फोर इज टू सिक्स, दो से काट के छोटा कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, वन इज टू टू इज टू थ्री। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेशियो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेशियो अगर याद कर लोगे तो अच्छा है, नहीं भी याद करोगे तो उससे कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि समझना हो कि कैसे कब क्या करना है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जानकारी के लिए, कैसे रेशियो निकालेंगे श्रेणी क्रम वाले केस में, समांतर क्रम वाले केस में। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन करो, फोर्थ क्वेश्चन तुरंत करते हैं, डू इट फास्ट। अब चलते क्वेश्चन फोर्थ पर, फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ बातें हमें और क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलने का पूरा पूरा चांस है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस सी, एक समांतर प्लेट संधारित्र है पीपीसी जिसका कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। इट इज़ नाउ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, इसको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, वी वोल्ट की बैटरी है, सी ये कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे तुरंत नहीं मतलब कुछ मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड के अंदर ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया, आवेशित हो गया, और यही नहीं चार्ज भी हुआ और एनर्जी भी स्टोर कर लेगा। कितना स्टोर करेगा, तो एनर्जी जो ये स्टोर करेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। तीन फॉर्मूले होते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक जो कहा है उसके हिसाब से ये बात होगी। अब आगे चलते हैं, आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, बैटरी को रिमूव करने की बात हो रही है, बैटरी को रिमूव करना, बैटरी का जुड़े रहना, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे। आफ्टर रिमूविंग द बैटरी, अब बैटरी को रिमूव कर दो, तो बैटरी को रिमूव करोगे लेकिन इस पे जो चार्ज आए हैं उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार चार्ज हो गया तो प्लेट पर चार्ज रहेगा। बैटरी रिमूव कर दिया मगर जो चार्ज है वो तो रहेगा, और चार्ज कितना रहेगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी, एनर्जी भी इतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी आया, चार्ज किया, एनर्जी स्टोर किया, चला गया। तो जब बैटरी गया तो कैपेसिटर के पास इतना चार्ज देकर गया और इतनी एनर्जी देकर गया। ठीक है, अब आगे, अब क्या करना है, प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक परा विद्युत पदार्थ हमें भर देना है। ठीक है, भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इस बात पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे इन सब चीज़ों भूल जाते हैं, हमें आदत होती है करेक्ट चुनने की, मगर कभी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट, सही कथन नहीं, गलत कथन चुनना है, कौन सा गलत है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो बैटरी को रिमूव करने पर क्या कहानी होती है, बैटरी हटा दोगे तो क्या चेंज करेगा, क्या नहीं चेंज करेगा, और जो चेंज करेगा तो कैसे चेंज करेगा, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि जो पीछे के लेक्चर्स हैं उनको पहले कंप्लीट करो, बहुत मज़ा आएगा, एकदम बारीकी से छोटी छोटी बात समझ में आएगी, मगर प्रोसेस को फॉलो करो। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीसेस टू 1/k टाइम्स, कह रहे हैं कि जब हम यहाँ पर पे स्टोर करेंगे एक डायलेक्ट्रिक को भरेंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, और कितनी कम हो जाएगी, डिक्रीजेस टू 1/k टाइम्स, 1/k टाइम्स हो जाएगी, पहले जितना रहा उसका 1/k गुना हो जाएगा,
देखते हैं बस सही है गलत है। ये एक बात बताओ, जब बैटरी को हम डिसकनेक्ट करते हैं तो उसको मैंने कई बार बताया ऐसे कंडीशन में बैटरी का जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो क्यों तो कांस्टेंट हो गया, और जो नया कैपेसिटेंस है वो पहले का के गुना हो जाएगा। भाई के भरा है तो कैपेसिटेंस तो चेंज करेगा, क्यों कांस्टेंट है। हाँ, और वोल्टेज भी कम हो जाता है तो वी इज इक्वल टू वी बाई के हो जाता है, ठीक है। कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा, वोल्टेज 1/k टाइम्स कम हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा पहले का, और चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। तो Q, C और V में ये बदलाव होता है। पहले इन तीनों का बात कर दें, बाकी देखा जाए। Q कॉन्स्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगा, और वोल्टेज K टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब 1/k टाइम्स हो जाएगा पहले का। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एनर्जी कह रहा है 1/k टाइम्स हो जाएगी, घट करके पहले का 1/k गुना हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट सही गलत है। यार एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है। मैं क्यों ही ले रहा क्योंकि क्यू कांस्टेंट है, इसलिए क्यू वाले फॉर्मूले को लेकर चल रहे हैं। अब नई एनर्जी क्या होगी, यू डैश इज इक्वल तो पहले की थी, पहले की थी। अब नई एनर्जी क्या होगी, 1/2 क्यू क्यू ही रहेगा, सी के बदले क्या हो जाएगा, सी इंटू के, नया कैपेसिटेंस। तो 1/k टाइम्स तो घट ही गया है कि नहीं सर। इस क्वेश्चन को अभी इसी लेक्चर के फर्स्ट क्वेश्चन में किए भी हैं। तो जो नई एनर्जी है वो क्या हो गया, पूरे पुराने एनर्जी का 1/k टाइम्स। तो एनर्जी डिक्रीजेस टू 1/k टाइम्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो मतलब स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सही नहीं है, हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो चूँकि स्टेटमेंट सही है इस ऑप्शन गलत है। चेंज इन एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर 1/k-1। चेंज पूछ रहा है तो यू इनिशियल वैल्यू कितनी है, यू इनिशियल है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। और यू फाइनल क्या होगा, यू फाइनल विल बी हाफ। अच्छा देखो, हमें फाइंड करना है कि एनर्जी में चेंज क्या होगा, तो हाफ सी वी स्क्वायर 1/k-1, ये एनर्जी में चेंज कह रहा है। तो अब देखो, इनिशियल एनर्जी तो 1/cv² है, क्लियर है। फाइनल क्या होगा, c तो चेंज हुआ है, कितना हो गया है, c इंटू के, और वोल्टेज कितना हो गया है, v/k। तो इसका स्क्वायर भी करोगे तो क्या आएगा, v² / k², तो एक के नीचे बचेगा, तो हाफ cv² / k बचेगा। तो चेंज फाइंड करना है तो चेंज निकाल लो, तो हाफ cv² / k माइनस हाफ cv² ये मैंने क्या किया है, ये मैंने u फाइनल माइनस u इनिशियल किया है, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो फिर इन दोनों में से अगर हाफ cv² कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1/k-1, ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी इज हाफ cv² 1/k-1, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन गलत है। चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, यही तो सबसे गलत बात कह दिया, सब कुछ ठीक चला था यहां भी गलत हो गया। चार्ज कंजर्व नहीं होता है भैया, चार्ज ही तो कंजर्व होता है। जब प्लेट्स हटा दिया, सॉरी बैटरी हटा दिया, तो चार्ज ही तो वो चीज है जो बदलती नहीं है, और उसी को आप कह रहे हो कि इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही चुनना था। चौथा ऑप्शन देख सकते हो, वैसे हम पहले इसको कंप्लीट कर चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस टू 1/k टाइम्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस पहले का तो 1/k टाइम्स हो ही जाता है, पढ़ ही चुके हैं पहले से। तो आगे समझ में कैसे ऐसे क्वेश्चन को करेंगे, एक एक करके पूरे प्रोसेस को देखते चलो, कहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट है, कहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट नहीं है, जो कॉन्स्टेंट नहीं है तो वो कैसे चेंज कर रहा है, उसको बस चेक कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज इसमें कहीं गई बातें जो हैं वो सरासर गलत है, ठीक है। तो फोर्थ हो गया, चलेंगे फिफ्थ की तरफ, जल्दी कॉपी कर लो इसको। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन एक छोटा सा सर्किट का क्वेश्चन है, मगर घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में खास बात यह है
कि ये क्वेश्चन जान लोगे अच्छा रहेगा, ये क्वेश्चन नीट और जेई मेंस दोनों में पूछा है क्वेश्चन है। तो नीट और जेई मेंस में तो पूछा जा चुका है, नीट का भी काम हो गया, जेई मेंस का भी काम हो गया, तो क्या इसका अगला नंबर CUET का होने वाला है क्या? क्या ऐसा हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है तो भाई पेपर बनाने वाले ही जाने, मगर अगर ये है तो कर लेने में क्या दिक्कत है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी वी। 2 माइक्रोफेरेड एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी वी से चार्ज कर रहा है। बैटरी की वी कितने वोल्ट का है नहीं पता, नहीं पता तो हम क्यों उसके चक्कर में पड़ेंगे, जो पता उसके चक्कर में पड़ो, नहीं पता है क्या फ़ायदा। और कैसे कनेक्ट किया गया है, तो ये स्विच है, स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट पूरा हो गया, यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा और कैप से क्या होगा तुम्हारा चार्ज हो जाएगा। अब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात है चार्ज भी स्टोर होगा और चार्ज के फॉर्म में कुछ एनर्जी भी स्टोर होगी। तो इसमें जो इनिशियल एनर्जी स्टोर होगी यू इनिशियल, वो कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल लिया जाए तो हाफ सी कितना है, हाफ सी कितना है 2 और वी इज वी, ब्लू ब्लैक सब मिक्स हो गया एक साथ। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, हाफ सी वी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। भाई इसमें तो एनर्जी स्टोर होगा नहीं भाई, इसका कनेक्शन तो ही नहीं है, तो इसमें ना चार्ज जाएगा ना किसी प्रकार की ऊर्जा संचित होगी, तो इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है भाई, कनेक्शन टूटा है, तार टूटा है, कहाँ से उसमें आवेश जाएगा, तो इसमें तो कोई एनर्जी नहीं है। इसमें एनर्जी कितनी होगी, तो वी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड में एनर्जी स्टोर्ड, संचित ऊर्जा। अब आगे कह रहा है कि व्हेन द स्विच एस इज टर्न्ड टू टर्मिनल 2। अब स्विच एस को हमने इस 1 से हटा करके 2 की तरफ मोड़ दिया, अब 2 की तरफ मोड़ दिया तो बैटरी से कनेक्शन तो ख़त्म हो गया। अब ये दोनों कैप्सर क्या हो गए, आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो हमने तुम्हें बताया था कि ऐसे कंडीशन में हमें इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकालना चाहिए। भाई चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब तक कि दोनों का पोटेंशियल एक वैल्यू पर, कॉमन वैल्यू पर ना पहुंच जाए। तो कॉमन पोटेंशियल अगर फाइंड किया जाए तो क्या था, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। तो पहला वाला सी वी वोल्ट तक चार्ज था, दूसरे वाले पे कोई चार्ज नहीं था, एंड C1 प्लस C2, अच्छा C1 C2 दिया हुआ है 2 और 8, तो 2 × V और 2 + 8 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। C1 प्लस C2 2 + 8 इज इक्वल टू 10, तो 2/10 किया तो कितना आ गया V/5। तो V/5 अब दोनों का पोटेंशियल हो गया, दोनों के प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस हो गए। अब मैं अगर निकालूं फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी इज 1/2, सी कितना है इसका 2 इंटू V/5 का स्क्वायर करो कितना आएगा V² / 25, प्लस कुछ इसमें एनर्जी स्टोर होगी 1/2 सी V² / 25, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको काटूँ और ये कितना हो जाएगा 4, और V² / 25 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ कितना बचा 1, और प्लस यहाँ कितना बचा, ये कॉमन निकल के तो कितना बचा 4, और ये 5 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया V² / 5। तो एनर्जी पहले थी V², अभी कितनी आ रही है V² / 5, मतलब पहले का 1/5 मतलब क्या कि 20% हो गया। अगर मैं इसको कहूँ ये एक्चुअली है क्या, दिस इज 20% ऑफ यू इनिशियल है कि नहीं भाई, इनिशियल वैल्यू कितनी थी V² और अंतिम वैल्यू कितना आ रहा है V² / 5। तो किसी चीज़ का 1/5 मतलब कितना होता है, उसका 20% होता है। तो 20% एनर्जी अब दोनों में मिला करके बच रही है, दोनों में मिलाकर 20% बच रहा है, मतलब पूरा पूरा लॉस कितने का हुआ है, 80% एनर्जी का लॉस हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूँगा थोड़ा सा एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी चार्ज का फ्लो होता है तो इस रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की प्रक्रिया में एनर्जी में लॉस होता है।
वो कितना लॉस होगा, इट इज़ 80%, क्योंकि पहले वी स्क्वायर था, अब दोनों का मिला के वी स्क्वायर बाई 5 आ गया, तो किसी चीज़ का 1/5 मतलब उसका 20% होता है, तो 20% बचा है मतलब 80% का लॉस है। ठीक है, ऑप्शन 4th करेक्ट है, जल्दी कर लो, अच्छा क्वेश्चन था, नीट भी आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है, हो सकता है CUT में इसका नंबर हो। ठीक है, क्वेश्चन में 6 के तरफ चलेंगे, जल्दी कॉपी कर लो उसको पहले। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। PPC मतलब अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी। एक कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज किया गया और चार्ज करने के बाद उस बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया। बहुत ज़्यादा बातचीत हो चुकी है इस पर, अब कहने की बात कुछ नहीं, बस सिंपल अप्लाई करना है। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर द बैटरी इज रिमूव्ड। इसने कैपेसिटर को उसके हिसाब से चार्ज कर दिया और फिर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी को रिमूव करने के बाद हम शांति से नहीं बैठे, उसके प्लेट के बीच में हमने क्या भर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, भर दिया, फिल कर दिया, जो कहो सो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमको पता करना है कि हम जब ये कारनामा करेंगे बैटरी को हटा करके प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक भरेंगे बैटरी को हटाने के बाद, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है वो चुनना है। द टोटल एनर्जी इज इंक्रीज्ड। अभी हमने पढ़ा है कि ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे एनर्जी बेटा यू है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, यू बाई के। इस बात को ध्यान रखना, जैसे ही तुम बैटरी को हटाओगे चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा और जैसे ही के भरोगे सी बढ़ जाएगा, और सी बढ़ जाएगा तो ये किस फॉर्मूले से है बता दो, अभी जस्ट बताया हूँ, तो 1/2 Q² / C फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, बाई क्यू तो कांस्टेंट है और जैसे ही के भरोगे तो सी बढ़ेगा, और सी डिनोमिनेटर में है, सी बढ़ा तो के अब यू घट जाएगा, और कितना घटेगा, 1/k टाइम्स। ठीक है, तो बैटरी को हटाने के हमेशा नहीं, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब की बात नहीं हो रही, जब बैटरी डिसकनेक्टेड होगा तो एनर्जी कितना हो जाएगा, यू बाई के। तो टोटल एनर्जी इज इंक्रीज्ड, ये स्टेटमेंट गलत है, और स्टेटमेंट गलत ही चुनना है तो ऑप्शन हमारा सही है। तो ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही ऑप्शन में हमको अपना आंसर मिल जाता है, मगर उसके बाद भी सारे ऑप्शंस को पढ़ करके एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए कि हाँ भाई जो हम चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चेक करते हैं बाकी ऑप्शंस भी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पहले अगर वी है तो अब यहाँ पर अगर वी है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वी बाई के, तो डिक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई डायलेक्ट्रिक रखोगे, डायलेक्ट्रिक के अंदर पढ़ा चुका हूँ ना, डायलेक्ट्रिक के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 1/k टाइम्स, पढ़ चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करती है, बिल्कुल सही बात है। कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, हम सब जानते हैं डायलेक्ट्रिक का तो काम ही है, जब डायलेक्ट्रिक भरोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ता ही तो है, तो ये तीन स्टेटमेंट सही है, इसलिए गलत ऑप्शन हुए। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है इसलिए ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, तो बहुत कूल माइंड से जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ कहाँ पर क्या चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, उसके हिसाब से आंसर देना। ठीक है, तो 6th हो गया, 7th की बारी आएगी, जल्दी कर लो इसको। ओके, एक 7th क्वेश्चन और उससे मिलता जुलता है, एक और क्वेश्चन कर लेंगे, तो मान लो अगर कुछ और चेंज करके स्टेटमेंट देता है तो उसके बारे में भी हम लोग को पता चल जाए कि कैसे क्या चीज़ चेंज करने वाली है। तो कुछ स्टेटमेंट्स बदले हैं, हल्की सी बात यहाँ बदली है, मगर कॉन्सेप्ट पूरा पूरा वही है। कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया गया एक बैटरी के द्वारा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि एक कैपेसिटर लिया जिसको बैटरी के द्वारा हमने चार्ज कर दिया और फिर हमने बैटरी को रिमूव कर दिया। द कैपेसिटर एंड द बैटरी इज रिमूव्ड। तो बैटरी को रिमूव करने का मतलब ये हुआ कि बैटरी ने अपना काम कर दिया और कैपेसिटर के पास चार्ज भी आ गया और एनर्जी भी आ गई, अब वो इन दोनों को अपने पास रखा है।
अब बैटरी को रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या किया कि प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज्ड, जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है उसको हमने क्या किया, कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो प्लेट सेपरेशन को डिक्रीज कर दिया। अब बताओ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला होता है। अगर प्लेट सेपरेशन को हम डिक्रीज करेंगे तो D डिनोमिनेटर में है, तो D को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये तो पक्का है कि इससे इंक्रीज करेगा। और Q इज इक्वल टू CV से V इज इक्वल टू Q बाई C होता है, तो Q कांस्टेंट है और C डिक्रीज कर रहा है और C डिनोमिनेटर में है, तो C इंक्रीज कर रहा है और C इंक्रीज करेगा तो V की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो C इंक्रीज कर रहा है, V डिक्रीज कर रहा है और Q हमारा कांस्टेंट है, और ये Q तो हमारा कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी को हमने उड़ा के फेंक दिया है। ठीक है, अब इसके आधार पे देखते हैं हमारी बातें क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है प्लेट्स के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। तो क्यू तो बदला नहीं है, ए तो बदला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड काहे का बदलेगा भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस ये गलत ऑप्शन है। अच्छा, इसमें हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, गलत नहीं, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है तो ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, हमको सही स्टेटमेंट चुनना है। पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज्ड जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट भी गलत है, ऑप्शन भी गलत है। कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, भैया कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है, प्लेट सेपरेशन घटाओगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीजेस, जिसको तो बता ही चुका हूँ, कभी बैटरी अगर हटा दिया जाए तो नई एनर्जी जो होती है वो पुराने एनर्जी का 1/k टाइम्स हो जाता है। तो स्टोर्ड एनर्जी डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है और स्टेटमेंट भी सही है, तो ऑप्शन भी हमारा सही होगा। ठीक है, तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को करना है, बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस कंडीशन में क्या चीज़ कैसे बदलती है। ठीक है, पूछे एग्जाम में क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिल लेगा, पूरा पूरा चांस भी है एग्जाम में। सेवेंथ हो गया, एट्थ की तरफ चलेंगे, जल्दी जो करना है कर लो क्विक। चलो एक और बड़े से क्वेश्चन करते हैं। इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, मेरे पास N1 कैपेसिटर्स हैं जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है और सभी का कैपेसिटेंस कितना बता रहा है, C1। ध्यान समझना, तो मेरे पास कुछ कैपेसिटर्स हैं और सबकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1। और ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर्स हैं मेरे पास, N1 कैपेसिटर्स हैं और सभी को मैंने एक 4 वोल्ट की बैटरी से, 4V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक स्टूडेंट पहले पढ़ो क्या कह रहा है, C1 करते करते N1 कैपेसिटर मेरे पास है, ये N1 संख्या बता रहा है और C1 क्या बता रहा है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, इन सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया और फिर कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना दिया है, 4V। अब इसमें एनर्जी स्टोर की बात हो रही है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूरा तुमको पढ़ के बताऊँगे क्या करें कि वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C2, मतलब कहने का क्या कहता है कि C2 ऐसे करते करते कुछ और कैपेसिटर्स ले लो, ये भी C2 और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा, ये प्रक्रिया जाएगी N2 तक। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, N1 तक, और इसको V वोल्ट से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है C1 का और पैरेलल कॉम्बिनेशन है C2 का, इसमें N1 कैपेसिटर्स हैं, इसमें N2 कैपेसिटर्स हैं, इसको 4V वोल्ट से कनेक्ट किया गया, इसको V वोल्ट से कनेक्ट किया गया, देखो बैटरी में, और दोनों कॉम्बिनेशन में एनर्जी जो है वो एक बराबर स्टोर हो रही है। तो C2 की वैल्यू इनमें से क्या होगी हमको फाइंड करना है। तो क्या करना है,
जो कहा है वो कर दो, टोटल एनर्जी इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों का इक्वेट कर दो, आ जाएगी सी टू की वैल्यू। मगर इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका सी इक्विवेलेंट होगा सी वन बाई एन वन। बाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सब इक्वल वैल्यू होते हैं तो टोटल वैल्यू उसका वन बाई एन हो जाता है। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? वन बाई सी वन बाई एन वन। अब मन करे तो वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री करके निकाल भी सकते हो। और इसको 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ सी इंटू 4V का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये हाफ सी वन एन वन 16V स्क्वायर। ये सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पर सी इक्विवेलेंट कितना होगा N2C2, ठीक है, यहाँ सब जुड़ जाएंगे। और वी वोल्ट से करंट किया तो वी वोल्ट से करंट किया तो हाफ U2 बोल दो हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, तो C2 N2 तक जुड़ोगे तो कितना होगा N2C2। तो एनर्जी क्या होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। और ये दोनों को बस बराबर कर देना है तो कितना मिलेगा? हाफ सी वन एन वन 16V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ N2C2V स्क्वायर। तो हाफ का पहले काम तमाम कर दो, वी स्क्वायर को पहले बुला दो और हमारे क्या पास बच जाएगा? 16C1 बाई N1 इज इक्वल टू N2C2। बाकी सब तोड़ चुका है तो C2 की वैल्यू क्या मिलेगी? C2 इज इक्वल टू मिलेगा 16C1 बाई N1N2। तो 16C1 बाई N1N2 तो पहले ऑप्शन में ही हमको नज़र आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस करें जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों कॉम्बिनेशन की बात किया था, एनर्जी बराबर करना था, दिखा दिया, आ गया वाला आंसर। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, 9th क्वेश्चन को करेंगे और 10th क्वेश्चन तुम्हें करने को दिया जाएगा जल्दी। चलो अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन ये भी। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने कनेक्ट कर दिया है, एक 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। पहले फिगर क्या बना दिया जाए, आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है और दोनों को 100 वोल्ट की एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 100 वोल्ट की बैटरी और ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। जब कैपेसिटेंस दोनों का सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों का सेम होगा। तो अभी बात करोगे तो इसका भी कितना होगा 50 वोल्ट और इसका भी कितना होगा 50, आंसर नहीं है ये, तो पहले का वोल्टेज होगा। जब कैपेसिटेंस सेम होगा तो वोल्टेज भी सेम डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50-50 हो गया। अब शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के इज इक्वल टू 4 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। ये जो सेकेंड कैपेसिटर देख रहे हो इसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर देना है जिसका के इज इक्वल टू क्या दिया हमको 4। तो के इज इक्वल टू 4 अगर तुमने भरा है तो अब जो तुम्हारा कैपेसिटर हो गए वो कुछ अब ऐसा हो जाएगा, बैटरी उतनी ही 100 वोल्ट की है, ये रह जाएगा सी और ये कितना हो जाएगा 4C। भाई जितना तुम के भरोगे कैपेसिटेंस कितना होगा तब बढ़ जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4C। और अब यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी थी, अब ये 100 वोल्ट की बैटरी दोनों में कितना कितना डिवाइड होगा? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि वोल्टेज का डिवीज़न कैपेसिटर्स के रिवर्स रेशियो में होता है। कैपेसिटर्स का रेशियो कितना है? 1:4, ठीक है। तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, 4:1। अब 100 वोल्ट को 4:1 में डिवाइड किया तो एक हिस्सा कितना है तुम्हारा 80 वोल्ट, दूसरा हिस्सा कितना आएगा तुम्हारा 20 वोल्ट। तो पहले वाले में 80 वोल्ट और दूसरे वाले में 20 वोल्ट का अब पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में डेवलप हो जाएगा। वो कि सिंपल सा क्वेश्चन था मगर कुछ बेसिक्स ध्यान रहे, ये सब पढ़ चुके हम लोग कॉम्बिनेशन में कि कैसे डिवाइड होता है।
तो सी चूंकि 4C हो गया था, यहाँ तो इक्वल इक्वल था तो 50-50 हो गया, लेकिन चूंकि यहाँ 4C हो गया था तो सी का रेशो 1:4 हो गया, तो वी का रेशो कितना हो जाएगा 4:1। अब 100 वोल्ट को डिवाइड किया 4:1 तो कितना आएगा 80 वोल्ट 20 वोल्ट, तो 80 वोल्ट 20 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दूंगा 10th, जो तुम्हें करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जल्दी करो इसको। पहले ओके, तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है और इस क्वेश्चन के आंसर को सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है हमेशा की तरह कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग इसी क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कर चुके हैं। प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज वो तुरंत भूल जाएगा। तो जो भी सीखा है, जो भी जाना है इस लेक्चर में, उसको देखो, अप्लाई करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। और मैं देखता हूँ बहुत बच्चे एकदम एग्जैक्ट सही आंसर बताते हैं और क्वेश्चन को मज़े सॉल्व भी करते हैं। तो सारे बच्चे जो भी इस चीज़ को देखते हैं, सिर्फ देखना नहीं है, अप्लाई भी करना है। तो कॉन्सेप्ट जो सीखा है, पढ़ा है, समझा, उसको अप्लाई करके इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे मेंशन करेंगे, आई विल चेक इट। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। जो भी डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उसको बताना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।